हेलो, आज मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि एक डायग्नोस्टिक कंपनी में नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले ये जानें कि एक डायग्नोस्टिक कंपनी का व्यवहार क्या होता है। डायग्नोस्टिक कंपनी एक बायोमेडिकल कंपनी होती है जो पेशेंट की बीमारी परखने के लिए मशीन्स, ऑटो एनालाइजर्स और रिएजेंट्स यानी कि अभिकर्मक क्लिनिकल लेबोरेटरी के लिए बेचते हैं। डायग्नोस्टिक कंपनी में आपको दो प्रकार की नौकरी मिल सकती है, एक क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में और दूसरी सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में। इस नौकरी के यह फायदे हैं कि आपको ₹25,000 से 35,000 तक, दैट मीन्स 25,000 से 35,000 तक मासिक वेतन यानी कि सैलरी मिल सकती है और इसके अलावा बोनस, लीव ट्रैवल अलाउंस जैसे काफ़ी फायदे भी मिल सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक कंपनी में नौकरी पाने के लिए आपको कौन से क्लिनिकल लेबोरेटरी के ज्ञान की आवश्यकता है? एक, आपको सभी प्रकार के ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर की अच्छी तरह से जानकारी हो। दो, अभिकारक यानी के अलग अलग प्रकार के रिएजेंट्स और द्रव्य पदार्थ कैसे बनाएं इसका ज्ञान हो, जैसे कि परसेंट, मोलर, नॉर्मल और बफर सॉल्यूशंस और अलग अलग प्रकार के डाइल्यूशंस जैसे कि 1:10, 1:5, 1:2 इत्यादि। 3, अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक किट कैसे वापर करें, कैसे यूज करें। 4, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके प्रिंसिपल्स, वापर और केयर और मेंटेनेंस का अच्छी तरह से ज्ञान हो। 5, अलग अलग तरह के ऑटो एनालाइजर्स, उनके प्रिंसिपल्स, वापर और केयर और मेंटेनेंस का अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो चलिए अब जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट क्या काम करते हैं। इनका काम है कि अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट्स बराबर बन रहे हैं कि नहीं, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल के जैसे किट्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं, ये सब क्वालिटी कंट्रोल के तरीके से परखे और जांच करें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अच्छी तरह से मालूम हो, आपको लेविजनिंग चार्ट और वेस्टगार्ड रूल्स अच्छी तरह से मालूम हो, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटो एनालाइजर्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं, यह भी देखना है क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक। चलो अब यह देखते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या व्यवहार होते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग अलग प्राइवेट और हॉस्पिटल क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जाकर उनके प्रमुख को अपने कंपनी के सभी रिएजेंट, इंस्ट्रूमेंट और ऑटो एनालाइजर्स की जानकारी देते हैं और ये सब मटेरियल्स दूसरे कंपनी से कैसे ये अच्छे हैं और सस्ते हैं इसके बारे में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस काम के लिए जो शिक्षण क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का होता है उसकी तो ज़रूरत है ही, सिवा इस काम के लिए अच्छा व्यक्तिमत्व और अच्छी अदाकारी और बातें करने में होशियार होने की बहुत ही ज़रूरत है। इस काम के लिए यह भी ज़रूरत है कि अलग अलग किट्स, रिएजेंट, मशीन और ऑटो एनालाइजर्स विजिटिंग लेबोरेटरी में ले जाकर उनका अच्छी तरह से प्रदर्शन करें। अभी आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि किस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट या सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये निर्भरित रहता है
कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपकी काबिलियत क्या है, तो उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आखिर में मुझे आशा है कि यह सब जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस डायग्नोस्टिक फील्ड में भी अच्छी तरह से तरक्की करें। थैंक यू।